नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का फ्यूल चैप्टर फुल कवर करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, हर टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में और बताएंगे इस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट और कौन सा नहीं। तो इसलिए दोस्तों अंत तक बने रहें, आपको फ्यूल चैप्टर पूरा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फ्यूल चैप्टर हमारे साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले चैप्टर एट अ ग्लांस देखते हैं। चैप्टर एट अ ग्लांस कहता है, बताता है हमें कि इस वीडियो में हम किस किस इस चैप्टर में हम किस किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो पहला है रिक्विसाइट्स ऑफ गुड फ्यूल के बारे में जानेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल के बारे में जानेंगे, कंबशन के बारे में जानेंगे, फ्लेम के बारे में जानेंगे और आखिर में रॉकेट प्रोपेलेंट और रॉकेट फ्यूल के बारे में जानेंगे। तो ये 6 पॉइंट हैं जिसे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फ्यूल के बारे में। आ फ्यूल में बी आर डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच सप्लाइज एनर्जी हीट एनर्जी ऑन बर्निंग विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिवली अनडिज़ायरेबल साइड ऑफ प्रोडक्ट, एग्जाम्पल वुड कोल LPG एक्सेट्रा। मतलब दोस्तों इसमें डेफिनेशन बताई गई है फ्यूल की, वह फ्यूल होता है जो एक सब्सटेंस होता है, फ्यूल एक तरह से सब्सटेंस होता है जो हमें बर्निंग पर जब वो जलेगा तब वो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ उससे हमें ना ही ज़्यादा अनडिज़ायरेबल साइड प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब वह जलने के बाद हमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं देगा, मतलब ऐश नहीं देगा, राख कहते हैं ऐश को, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, इस प्रकार के अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस वे कम देगा, ऐसे सब्सटेंस को हम फ्यूल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आता है हमारा फ्यूल का टॉपिक पहला, ये है हमारा रिक्विसाइट्स ऑफ गुड फ्यूल। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक एक गुड फ्यूल में होनी चाहिए वह क्या क्या हैं। तो हम जानेंगे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होंगी एक फ्यूल में तो वह गुड फ्यूल कहलाएगा। तो पहला है हमारा इट शुड बी चीप मतलब वह सस्ता होना चाहिए, मतलब हम उसे खरीद सकें, वह ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, मतलब दोस्तों वह हमें ईजिली अवेलेबल हो तो वह हमारी एक गुड फ्यूल की प्रॉपर्टी होती है। और इसके बाद आता है इट शुड हैव अ हाई हीट कंटेंट, मतलब दोस्तों वह जलने पे वह बर्न होने पे हमें हाई हीट दे, मतलब कम एनर्जी ना दे, क्योंकि हीट हमारी एक एनर्जी का फॉर्म है तो ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा हीट दे हमें, तो वह हमारा एक अच्छा फ्यूल होगा। इट शुड यील्ड लिटिल और नो ऐश, मतलब दोस्तों कि वह उसका साइड प्रोडक्ट थोड़ा सा होना चाहिए या बिल्कुल भी ना हो तो वह ज़्यादा अच्छा फ्यूल कहलाएगा। इसके बाद एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस सच एज ऐश स्मोक एट्सेट्रा शुड नॉट बी प्रोड्यूस बाय फ्यूल ऑन बर्निंग, मतलब दोस्तों जब फ्यूल जल रहा होगा या जल चुका होगा तब उसमें से ऐश स्मोक और एट्सेट्रा सब्सटेंस नहीं निकलने चाहिए, तो वह हमारे एक गुड फ्यूल की प्रॉपर्टी होती। और आखिरी में हमारा इट शुड बी स्टोर्ड सेफली, मतलब दोस्तों वह एक सेफ फ्यूल हो, स्टोर्ड करा जा सकता हो घर में, ऐसा फ्यूल हो, ना कि ऐसा फ्यूल ना हो वह एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने पर ही जल जाए। तो दोस्तों ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर एक गुड फ्यूल में ये प्रॉपर्टीज़ हों तो वह हमारा गुड फ्यूल कहलाता है। और दोस्तों मैक्सिमम फ्यूल्स हमारे फुलफिल जो गुड फ्यूल होते हैं इन नेचर में, जो हमारे आसपास गुड फ्यूल कहलाते हैं दोस्तों, उनमें भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये 6 प्रॉपर्टी बताई गई हैं जिसमें से उसमें 4 या 3 इस प्रकार की प्रॉपर्टी मिलती हैं तो उसे हम गुड फ्यूल मान लेते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ या रिक्विसाइट्स ऑफ अ गुड फ्यूल। अब आते हैं दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर, कैलोरीफिक वैल्यू। तो दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू कुछ प्रकार से होती है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इन एयर और ऑक्सीजन। मतलब दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल की होती है कि वह कितना हीट गिवन कर रहा है, हीट कितने गिव कर रहा है, मतलब जलने पे वह कितनी हीट छोड़ रहा है और वह कितना मास रहेगा किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी फ्यूल का यूनिट मास रहेगा, मतलब 1 ग्राम या 1 kg इस प्रकार में पाया जाएगा तो उसे हम यूनिट मास कहते हैं। तो दोस्तों यूनिट मास सब्सटेंस या यूनिट मास
फ्यूल ऑन बर्निंग हमें कितनी हीट देता है, बर्न करने पे हमें कितनी हीट देता है, हीट किस में रहेगी, हमारी कैलोरीज में नापी जाएगी, हमारी हीट मान नापी जाएगी कैलोरीज में कितनी हीट देता है। तो दोस्तों ये कहलाती है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब यूनिट मास फ्यूल हमें कितनी हीट कैलोरी में देता है वह हमारी कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। और दोस्तों ये कैलोरीफिक वैल्यू की हमारी यूनिट या एक्सप्रेशन होता है कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब या किलो जूल पर किलोग्राम। तो दोस्तों ये तीन यूनिट हैं, आप इन्हें देख सकते हैं अपने आप से भी। और दोस्तों आते हैं अब नीचे, ये टेबल बनी हुई है, ये टेबल बनी हुई है आप देख सकते हैं ये टेबल। तो दोस्तों इसमें कहा गया है पहले साइड में नेम ऑफ फ्यूल्स और दूसरे साइड में कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इन किलो जूल पर केजी में दी गई है, किलो जूल पर केजी में इनकी यूनिट दी गई, मतलब एक कोल वन किलोग्राम 34,000 किलो जूल हीट देता है, एक किलोग्राम बोर्ड 17,000 से 22,000 किलो जूल हमें हीट देता है, किलो जूल कैलोरी हमें हीट देता है। और ये पेट्रोल इसका आता है 47,000, डीज़ल आता है 45,000, केरोसिन 45,000, एलपीजी 55,000 और काउ डंग केक होते हैं हमारे, जो हमारे काउ डंग से केक बनते हैं, इसे रूलर भाषा में हम कंडे भी कहते हैं। तो ये 6,000 से 8,000 के बीच में किलो जूल एनर्जी देता है पर किलोग्राम में। दोस्तों ये थी हमारी कैलोरीफिक वैल्यू। और दोस्तों हमने अब ऊपर पढ़ा था रिक्विसाइट्स ऑफ गुड फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू। तो दोस्तों आपको बता दें रिक्विसाइट्स ऑफ अ गुड फ्यूल, कभी एक आध पॉइंट आ जाता है तो आपको बताना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी होने पे एक कोई गुड फ्यूल हो सकता है। तो दोस्तों आपको बस ये ध्यान से पढ़ना है, ध्यान देना है तो आपको याद हो जाएगा। और कैलोरीफिक वैल्यू में आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं करनी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछी नहीं जाती, बस आपको ये देखना है कैलोरीफिक वैल्यू हम किस प्रकार से निकालते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं किसी भी फ्यूल की। तो दोस्तों ये पूछ लिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स का कहने का मतलब है कि फ्यूल्स को कितने प्रकार में क्लासिफाई किया गया है। तो दोस्तों फ्यूल्स को हमने तीन प्रकार में क्लासिफाई किया गया है, पहला सॉलिड फ्यूल, दूसरा लिक्विड फ्यूल और तीसरा गैसियस फ्यूल। तीन प्रकार से करा है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। दोस्तों सॉलिड फ्यूल में आते हैं हमारे, अब एग्जाम्पल देखते हैं, सॉलिड फ्यूल में आते हैं हमारे वुड, चारकोल, कोक, कोल एक्सेट्रा। वुड तो आपको पता ही है दोस्तों, लकड़ी, और चारकोल होता है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोक भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कोल भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। और अब आते हैं दोस्तों लिक्विड फ्यूल कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पेट्रोलियम, केरोसिन, गैसोलीन एक्सेट्रा। और आखिरी हमारा गैसियस फ्यूल क्या होते हैं, गैसियस फ्यूल कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों गैसियस फ्यूल होते हैं हमारे नेचुरल गैस, कोल गैस, वाटर गैस एक्सेट्रा, हमारे गैसियस फ्यूल कहलाते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको याद नहीं करना है, ये इस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे कि एक सॉलिड फ्यूल कौन सा है, बस आपको ये ध्यान देने योग्य है। तो दोस्तों अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन, अब आते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ गैसियस एंड लिक्विड फ्यूल, मतलब दोस्तों इन कंपैरिजन टू सॉलिड फ्यूल लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल आर वेरी यूजफुल एज, मतलब दोस्तों जो सॉलिड फ्यूल से हम कंपैरिजन कर रहे हैं लिक्विड और गैसियस फ्यूल का, लिक्विड और गैसियस फ्यूल एक जैसी थोड़ी प्रॉपर्टी सेम करते हैं इसलिए उन्हें एक कैटेगरी में रखा गया है और सॉलिड फ्यूल को अलग। दोस्तों अब कंपैरिजन देखेंगे सॉलिड फ्यूल और लिक्विड और गैस के साथ। तो दोस्तों दीज कैन बी यूज्ड इजीली, मतलब लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल के बारे में कहा जा रहा है कि ये हमारे यूज्ड इजीली यूज़ किए जा सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल्स। जैसे कि आपको पता ही होगा हमारी LPG या CNG हम कितनी आसानी तरीके से यूज़ कर सकते हैं एज अ वुड, और हम लकड़ी को हम जलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और हम LPG और CNG को थोड़े से इग्निशन टेम्परेचर से भी जला सकते हैं।
दूसरा पॉइंट है दे डोंट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग वेयर इज सॉलिड फ्यूल्स लीव ऐश आफ्टर बर्निंग. मतलब दोस्तों एलपीजी और सीएनजी बर्न करने के बाद कोई भी ऐश नहीं छोड़ते, कोई भी राख या अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़ते, बल्कि हमारा सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल ले लें, वुड ले लेते हैं, तो दोस्तों वह हमारा ऐश राख छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ़ी मात्रा में निकालता है. तो दोस्तों ये हमारे लिक्विड और गैस फ्यूल के एडवांटेज होते हैं ओवर सॉलिड फ्यूल्स. और तीसरा है दे बर्न ईजिली एज देयर इग्निशन टेम्परेचर इज़ लो इन कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल्स. मतलब दोस्तों जो शुरुआती टेम्परेचर देना पड़ता है किसी भी फ्यूल को वह हमारा इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है. और दोस्तों इग्निशन टेम्परेचर हमारा सॉलिड लिक्विड और गैसियस फ्यूल का कम रहता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल. आप देख सकते हैं एलपीजी और सीएनजी को हम कितनी आसानी से जलाया जा सकता है, बल्कि वुड या कोल को हम कितनी मुश्किल से जलाया जा सकता है, क्योंकि आप उन्हें ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. और अब आते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक आफ्टर बर्निंग वेयर इज सॉलिड फ्यूल्स बर्न विथ स्मोक. मतलब दोस्तों जो हमारे लिक्विड और गैसेस फ्यूल रहते हैं वह कोई भी स्मोक नहीं छोड़ते, कोई भी धुआं नहीं छोड़ते, और बल्कि हमारे सॉलिड फ्यूल्स हमारे स्मोक मतलब धुआं छोड़ते हैं. तो दोस्तों ये भी एक एडवांटेज होता है लिक्विड और गैसेस फ्यूल का ओवर सॉलिड फ्यूल. और आखिरी और पांचवा पॉइंट है दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू इन कंपैरिजन टू सॉलिड फ्यूल्स. दोस्तों सॉलिड फ्यूल के मुकाबले लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब 1 किलोग्राम या 1 ग्राम फ्यूल लिक्विड या गैस फ्यूल ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू 1 किलोग्राम या ग्राम फ्यूल ऑफ सॉलिड. तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़, 5 प्रॉपर्टीज़ देखी इम्पोर्टेंस कैसे है गैसेस और लिक्विड फ्यूल का ओवर सॉलिड फ्यूल्स. तो दोस्तों इस प्रकार से भी कोई आपको ये ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादातर ये याद होगा उम्मीद है. और अगर आपको याद नहीं है तो बस आप एक बार देख लीजिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा, क्योंकि आप डेली लाइफ में भी हम देखते रहते हैं कई प्रकार के फ्यूल्स, तो हम उन्हें कोरिलेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ. अब आते हैं दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन फ्यूल्स आर टू टाइप्स. मतलब दोस्तों क्लासिफिकेशन हो रहा है फ्यूल्स का ओरिजिन के बेस पे मतलब उत्पन्न के आधार पर. तो दोस्तों दो प्रकार से बांटे गए हैं फ्यूल्स ओरिजिन के बेस पे. पहला है हमारा प्राइमरी फ्यूल्स और दूसरा है हमारा सेकेंडरी फ्यूल्स. तो दोस्तों जानते हैं प्राइमरी फ्यूल्स क्या होते हैं और सेकेंडरी फ्यूल्स क्या होते हैं. तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहले प्राइमरी फ्यूल्स दोज फ्यूल्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर एंड गिव हीट डायरेक्टली ऑन बर्निंग. मतलब दोस्तों ये वे फ्यूल होते हैं जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं, जैसे कि वुड मिलता है, कोल मिलता है, और गिव हीट डायरेक्टली ऑन बर्निंग, और वह हमें बर्न करने पे हीट डायरेक्ट देते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है वुड, कोल और पेट्रोलियम और कई सारे एक्सेट्रा. ये हमारे प्राइमरी फ्यूल्स होते हैं ये, क्योंकि हमारे डाइट नेचर से ऑप्टेंड होते हैं. और अब आते हैं दोस्तों आगे, और अब आता है सेकेंडरी फ्यूल्स. दोज फ्यूल्स आर ऑप्टेंड फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल्स आर नोन एज सेकेंडरी फ्यूल्स. मतलब ये सेकेंडरी फ्यूल्स वे फ्यूल होते हैं जो हमारे प्राइमरी फ्यूल से लिए जाते हैं. मतलब प्राइमरी फ्यूल्स को ऐसे फ्यूल्स होते हैं कि जिसे हम सब डिवाइड कर सकते हैं और तोड़ा जा सकता है, उन्हें और बांटा जा सकता है, उनमें से और फ्यूल्स प्रकार निकाले जा सकते हैं. तो जो प्रकार के नए फ्यूल्स निकलते हैं प्राइमरी फ्यूल्स से, उन्हें हम सेकेंडरी फ्यूल्स कहते हैं, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, कोल गैस, डीजल, वाटर गैस एक्सेट्रा. ये सब हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे प्राइमरी फ्यूल्स होते हैं. तो दोस्तों आपने देखा प्राइमरी फ्यूल्स और सेकेंडरी फ्यूल्स. तो दोस्तों प्राइमरी फ्यूल्स और सेकेंडरी फ्यूल्स आपको याद रखने की योग है, आप इन्हें याद रखिए, आसानी से याद हो जाएंगे. बस आपको अगर पहली बार में याद नहीं होता तो आप दूसरी बार ज़रूर वीडियो देखें. अब आते हैं दोस्तों आगे और पढ़ते हैं आप मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स. मतलब कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स के बारे में बताया जा रहा है कि उनके अंदर कौन से हमारे कंपाउंड्स होते हैं. तो दोस्तों कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना ज़रूरी है. पहला आता है हमारा नेचुरल गैस. नेचुरल गैस में होता है हमारा मीथेन. मतलब होता है हमारा
CH4, ईथेन C2H6 और ये प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये दोस्तों ये हमारे नेचुरल गैस में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये नेचुरल गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछे जाते हैं। और कोल में होते हैं हमारे कार्बन, और कार्बन कंपाउंड होते हैं हमारे कोल में, तो दोस्तों ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोलियम में हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब एल्केन्स, एल्काइंस और एल्कीन्स होते हैं। तो दोस्तों ये कार्बन और हाइड्रोजन के प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। अब आते हैं दोस्तों कोक, कोक में मेनली कार्बन होता है 90-95%। तो दोस्तों ये भी याद नहीं रखना है आपको। एलपीजी में ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, ये भी आपको याद नहीं रखना है। ऑयल गैस याद रखने की दोस्तों आपको ज़रूरत है, ये पूछ लिया जाता है। इसमें रहता है हमारा मीथेन, ईथेन, इथाइलिन और हाइड्रोजन, ये चार मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे ऑयल गैस में। तो दोस्तों आपको ये ज़रूर याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है ऑप्शन में। अब आता है दोस्तों पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस होता है हमारा, पेट्रोलियम गैस में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे प्रोपेन, ब्यूटेन, इथाइलिन, ब्यूटाइलिन। तो दोस्तों हमारे ये पेट्रोलियम गैस में होते हैं। इसके बाद आता है वाटर गैस, भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसमें मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। इसके बाद आता है प्रोड्यूसर गैस होता है, प्रोड्यूसर गैस में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे कुछ मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जिसमें से आपको याद रखना है, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, पेट्रोलियम गैस, ऑयल गैस और साथ में कोल। दोस्तों ये पांच आपको याद रखने हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आपको परसेंटेज याद नहीं रखना, बस आपको कंपाउंड्स याद रखने हैं कि कौन कौन से मेन कंपाउंड्स होते हैं। और दोस्तों ये देखे आपने मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स के। अब आते हैं दोस्तों आगे प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट गैसियस फ्यूल्स। दोस्तों ये गैसियस फ्यूल्स थे हमारे कौन कौन से जिसमें के आगे गैस लगा था, जैसे कि प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, पेट्रोलियम गैस, ऑयल गैस, ये थे हमारे गैसियस फ्यूल। तो दोस्तों ये किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, तो दोस्तों ये बताया गया। तो दोस्तों पहला है हमारा केरोसिन को क्रैकिंग करा के, केरोसिन में क्रैकिंग प्रोसेस करा के ऑयल गैस मिलता है, केरोसिन में क्रैकिंग प्रोसेस करा के ऑयल गैस मिलता है। कोल में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा के हमें कोल गैस मिलता है। दोस्तों ये आगे हम बताएंगे इसका डायग्राम किस प्रकार से होता है। और पेट्रोल का क्रैकिंग करा के हमें पेट्रोल गैस मिलता है, और स्टीम प्लस कोक हमें देता है वाटर गैस, स्टीम प्लस कोक हमें देता है वाटर गैस। तो दोस्तों ये रहता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ गैसियस फ्यूल्स। अब आते हैं दोस्तों आगे, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज़ लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल। मतलब दोस्तों जो हमारा नेचुरल गैस है उसे हम हाई प्रेशर पर रख सकते हैं, एज कंप्रेस्ड टू नेचुरल गैस विच इज़ लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल, वह लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल होता है। अब आते हैं दोस्तों आगे, दोस्तों आपको ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ऊपर जो बताया हमने मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस किस के याद रखने, तो वही आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब आते हैं दोस्तों आगे, और आता है अब हमारा अगला टॉपिक बायोमास। अगला टॉपिक आता है हमारा बायोमास। तो बायोमास होता है द मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी, द मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायोमास। द बायोमास इज बींग यूज टू जनरेट हीट इन बोर्ड, हीट इज बोर्ड एग्रीकल्चर वेट्स एंड कैटल डंग। दोस्तों जो हमारा बायोमास रहता है वह रहता है मटेरियल, वह एक मटेरियल रहता है जो बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की होती है। मतलब ये हमारा बायोमास उसे कहते हैं जो प्लांट और एनिमल की बॉडीज से हमें हीट देता है, प्लांट और बॉडीज़ की बॉडीज से हम जो मटेरियल कंटेन करते हैं उसे हम बायोमास कहते हैं। जो प्लांट और एनिमल की बॉडीज से मटेरियल कंटेन करते हैं उसे हम बायोमास कहा जाता है। और दोस्तों द बायोमास विच इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट हीट इज बोर्ड। दोस्तों ये हमारे बायोमास हीट इज़ अ फ्यूल के तौर पर भी यूज़ होते हैं। अब आते हैं दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको, बायोमास पे इतना ज़रूरी नहीं है आपको याद करना, क्योंकि ये कम ही आता है, मतलब आता ही नहीं है।
और इसके बाद आते हैं दोस्तों बायोगैस। बायोगैस के बारे में आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि हम आसपास भी देखते हैं बायोगैस के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो बायोगैस है, द गैसियस मिक्सचर ऑब्टेंड बाय डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट बेस्ड बाय एयरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड बायोगैस। दोस्तों बायोगैस होता है हमारा एक गैसियस मिक्सचर होता है, हमारा एक गैसियस मिक्सचर मिलता है, किससे मिलता है, डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेडेशन होता है, मतलब एक कोई ऐसा कुआं सा बैल सा बना दिया जाता है, इसमें हमारा प्लांट बेस्ड मतलब टूटे फूटे प्लांट या उनकी पत्तियां, रूट्स और एनर और इसके साथ वाटर रहता है, इसमें वाटर रहता है और साथ ही साथ एनिमल बेस्ड रहता है, काउडंग केक रहता है, जो भी बेस्ट रहते हैं वह इसमें डाल दिया जाता है और इसे ढक दिया जाता है। और दोस्तों इसमें एयरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म होने चाहिए, इसमें एयरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म होने चाहिए जो इसे डिग्रेड करेंगे, जो इसे डिग्रेड करेंगे। और दोस्तों यहाँ से एक पाइप के द्वारा यहाँ से ये गैस निकलती है। तो दोस्तों ये गैस हमारी स्ट्रीट लाइट्स और कई तरह के हाउस होम में भी यूज़ होती है। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारे बायोगैस। बायोगैस काफ़ी प्रचलित है इन दिनों में। इट इज़ कन्वीनियंट फ्यूल फॉर डोमेस्टिक यूज़। दोस्तों ये कन्वीनियंट फ्यूल होता है क्योंकि ये एनर्जी भी सफिशेंट देता है और साथ ही साथ वेस्ट से बना होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, ये हमारे स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग इंजन्स में होते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ बायोगैस आर मीथेन। दोस्तों जो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है, जो मेन कंपाउंड होता है, वह मीथेन होता है, जो 45 से 70% पाया जाता है। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाए जाते हैं बायोगैस में। दोस्तों आपने जाना है बायोगैस क्या होता है। बायोगैस होता है हमारा कि उसमें वाटर होना चाहिए, एक ये मिक्सचर होता है वाटर का और हमारे डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स का, ऑर्गेनिक वेस्ट का होता है हमारा ये एक मिक्सचर होता है, जिसमें हमारे एयरोबिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने चाहिए और साथ ही साथ वाटर भी, तो वह डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है, तो जिससे हमें एक गैस मिलती है जिसे कहते हैं हम बायोगैस। और अब दोस्तों आते हैं आगे और आपको बता दें बायोगैस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपको जानना ज़रूरी है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अब आते हैं दोस्तों फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं आर फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स बाय ब्यूरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दोस्तों ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो हजारों लाखों सालों में बना करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं हमारे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमारे, और एक्सेट्रा कई प्रकार के हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो दोस्तों ये फॉसिल फ्यूल्स हमारे मिलियन लाखों हज़ारों साल में बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं ये, प्लांट और एनिमल को हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, अंडर अर्थ, धरती के नीचे इतना इन पे प्रेशर और इतना टेम्परेचर हो जाता है कि ये मिलियन ऑफ ईयर मतलब लाखों सालों में, हजारों सालों में ये एक दूसरे से रब होते हमें फॉसिल फ्यूल का निर्माण करते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि जो पुराने एनिमल्स और पुराने प्लांट्स, इन सब को हम मिलियन ईयर्स के बाद देख रहे हैं, ये हमारे एक फॉसिल फ्यूल्स के तौर पे निकलते हैं। और दोस्तों फॉसिल फ्यूल्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना ज़रूरी होता है। अब आते हैं दोस्तों आगे, अब जानते हैं कोल के बारे में। हमने बताया था आपको कोल के बारे में, आगे पढ़ेंगे विस्तार में। दोस्तों इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल यूज टू कुक फूड। दोस्तों ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जो हमारे कुकिंग में यूज होता है, कुक फूड के लिए यूज होता है। इसमें हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। इट कंटेन्स मेनली कार्बन और उसमें से भी सबसे ज़्यादा ये कार्बन पाया जाता है इसमें। एंड कंपाउंड ऑफ एस एंड एन आर ऑल्सो प्रजेंट इन लिटिल अमाउंट। दोस्तों जो कार्बन, जो हमारे सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं, वह भी हमारे इसमें थोड़ी सी मात्रा में पाए जाते हैं। कोल में हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर और नाइट्रोजन भी थोड़ी सी मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये रहता हमारा कोल। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम
कोल के बाद अब पढ़ते हैं कोल इम्पोर्टेंट दोस्तों। हमने बताया था कि कोल से बनने वाली गैस, कोल से बनने वाली कोल गैस, ऑयल गैस और पेट्रोलियम गैस, वाटर गैस, ये सारी इम्पोर्टेंट गैस है। आप ये ज़रूर याद रखें कि कोल गैस क्या होती है और ऑयल गैस क्या होती है, पेट्रोल गैस क्या होती है, वाटर गैस क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल होता है जिससे हमें अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस मिलते हैं। जैसे कि ये प्राइमरी फ्यूल है हमारा कोल, और अब मिलेंगे हमें से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद सेकेंडरी फ्यूल। इन द एब्सेंस ऑफ एयर व्हेन इट इज़ हीटेड एट हाई टेम्परेचर इट कन्वर्टेड इनटू कोल। दोस्तों जब हमारा कोल एयर के एब्सेंस में, मतलब एयर जब नहीं होती है, तब उसे हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो दोस्तों वो हमारा कोक में बदल जाता है। तो दोस्तों हमारा कोक में बदल जाता है, दिस इज़ नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और यही प्रक्रिया हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहलाती है। सम यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे कोक, कोल टार, कोल गैस एक्सेट्रा ऑब्टेंड इन दिस प्रोसेस। दोस्तों इस प्रोसेस में हमारे और कई सारे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि कोक तो हमें मिलता ही है, कोल टार, कोल गैस एक्सेट्रा भी मिलते हैं दोस्तों। ये इसलिए कोल एक इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए दोस्तों आप इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी याद रखें, कौन सा मैक्सिमम रहता है ये भी याद रखें। तो दोस्तों कोल गैस रहता है, हमने ऊपर बताया था कि कोल गैस एक इम्पॉर्टेंट है। तो कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट दी जाएंगे कि हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार से एग्जांपल दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कोल गैस कौन सा है इनमें। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, दोस्तों वही हमारा कोल गैस होगा। इट इज़ यूज फॉर एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट। दोस्तों ये हमारी कई सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, आप देख सकते हैं, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट कहलाती हैं, इसलिए कोल गैस एक इम्पॉर्टेंट होती है। और अब आते हैं दोस्तों कोक, कोक इट इज़ कंटेंस 98% कार्बन, ये हमारा 98% कार्बन से ही बना रहता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। दोस्तों ये हमारा कई सारी स्टील की मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, और साथ ही साथ हमारे ओर से मेटल निकालने की एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ होता है। अब आते हैं दोस्तों अगला कोल टार, कोल टार इट इज़ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस, ये 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम। दोस्तों जो प्रोडक्ट रहता है कोल टार रहता है, वह हमारे कई सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा, नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम कोल टार। दोस्तों ये नेफ्थलीन बॉल्स आपकी न्यू ब्रांडेड कपड़ों में आती हैं कि आपका जो आपका नया कपड़ा है वह ख़राब ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार से यूज रहता है कोल टार का, आपने देखा 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर रहता है, और हमारा किस किस प्रकार से ये यूज़ होता है, हमारा नेफ्थिल बॉन्ड्स भी हमारी कोल टार से ही बनी रहती हैं, तो इसलिए ये कोल टार भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको ये देखना है क्या कोल टार में क्या क्या रहता है। दीज डेज बिटुमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। दोस्तों ये रोड्स बनाने के लिए पहले कोल टार यूज़ होता था, पर अब बिटुमिन यूज़ होता है। ये बिटुमिन भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में, बिटुमिन के बारे में। तो दोस्तों आपने देखा कोल के बारे में कि कोल में कौन कौन से मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं, और इसके प्राइमरी प्रोडक्ट आपने प्राइमरी फ्यूल देखा आपने कोल, और इसके सेकेंडरी फ्यूल थे हमारे कोल टार, कोल गैस और कोक। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सवाल आ जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों कम्बशन, और दोस्तों अब आते हैं हम कम्बशन। तो दोस्तों कम्बशन इज़ द
process in which energy in the form heat is given out of when a substance burn in air or oxygen is called combustion. मतलब दोस्तों आपको पता ही combustion क्या होता है, ये एक process होती है कि form of heat and light is given off. मतलब दोस्तों ये combustion होता है जब कोई fuel से हमें light या heat मिलती है, जब वह burn होता है in air, in the presence of air में, ऑक्सीजन में प्रेजेंस में जब कोई फ्यूल बर्न होता है और हमें हीट और लाइट उससे मिलती है दोस्तों, उसे कम्बशन कहा जाता है. दो सब्सटेंसेस विच कैन कैच फायर इजीली आर कॉल्ड कम्बंसिबल सब्सटेंसेस. मतलब जो सब्सटेंसेस, वह सब्सटेंसेस जो हमारे जल्दी फायर कैच कर लेते हैं, मतलब जल्दी जलने बर्न होने लगते हैं, उन्हें हम कम्बंसिबल सब्सटेंस कहा जाता है. अब आते हैं दोस्तों ये ग्राफ आपको इसके बारे में बताते हैं दोस्तों. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. दोस्तों इस प्रकार से पेट्रोलियम का, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है. आप देख सकते हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, जिससे आपको पेट्रोल, नेफ्थलीन, कैरोसिन, डीजल इस प्रकार से मिला करते हैं. आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ से पेट्रोलियम डाला जाता है और आपको अलग अलग स्टेज पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है. इससे फ्यूल ऑयल भी मिलता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से नीचे. तो दोस्तों ये रहता है हमारा, इस प्रकार से इसकी प्रोसेस की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट की. अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं स्लो कम्बशन और जानते हैं रैपिड कम्बशन. कम्बशन के बारे में अभी जाना था दोस्तों, कम्बशन के बारे में आप जानेंगे. ये तीन टाइप्स के होते हैं हमारे कम्बशन, हमारे तीन टाइप्स के होते हैं. पहला रैपिड कम्बशन, दूसरा स्लो कम्बशन और तीसरा स्पॉन्टेनियस कम्बशन. तो जानते हैं दोस्तों कम्बशन के बारे में. अ कम्बशन रिएक्शन, ये हम जानते हैं पहले रैपिड कम्बशन के बारे में. अ कम्बशन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लाइट इवॉल्व इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज रैपिड कम्बशन. मतलब जो रैपिड कम्बशन होता है दोस्तों वो शॉर्ट पीरियड में होता है. हमारा शॉर्ट पीरियड में हमें हाई हीट और लाइट इवॉल्व होती हुई दिखती है लार्ज अमाउंट में. शॉर्ट पीरियड में लार्ज अमाउंट हीट और लाइट निकलती हुई दिखती है किसी भी फ्यूल से. तो दोस्तों वह हमारी रैपिड कम्बशन कहलाती है. दोस्तों वह हमारी रैपिड कम्बशन कहलाती है. और इसका अपोजिट ही हमारा स्लो कम्बशन होता है. स्लो कम्बशन होता है अ कम्बशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड वेरी स्लोली इवन थ्रू ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड स्लो कम्बशन. दोस्तों स्लो कम्बशन में हमारी जो एनर्जी या हीट होती है वह हमारी स्लोली होती है, स्लोली निकला करती है इन द इवन थ्रू ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी दोस्तों, पर ये धीमे धीमे हमें एनर्जी गिवन आउट करती है. तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम स्लो कम्बशन कहते हैं. और रैपिड कम्बशन रैपिडली होती है, शॉर्ट पीरियड में होती है, लार्ज अमाउंट हीट निकलती है, उसे हम रैपिड कम्बशन कहते हैं. और आखिरी हमारा स्पॉन्टेनियस कम्बशन, अ कम्बशन रिएक्शन इन विच नो एक्सटर्नल हीट इज़ गिवन टू स्टार्ट इट, इट इज़ नोन एज स्पॉन्टेनियस कम्बशन. दोस्तों ऐसा कम्बशन, ऐसी बर्निंग जिसमें हमें कोई एक्सटर्नल हीट ना देने पड़े, किसी भी सब्सटेंस को एक्सटर्नल हीट ना देने पड़े, और दोस्तों ऐसी हीट ना देना पड़े किसी भी सब्सटेंस को, केमिकल कम्बशन को, किसी भी सब्सटेंस को हीट ना देने पड़े, तो दोस्तों ऐसी कम्बशन को हम रैपिड कम्बशन कहा जाता है. तो दोस्तों आपने देखा रैपिड कम्बशन, स्लो कम्बशन और स्पॉन्टेनियस कम्बशन. हमारा रैपिड कम्बशन स्लो टाइम में, शॉर्ट टाइम में होता है, लार्ज हीट होती, लार्ज हीट और लार्ज लाइट निकला करती है. स्लो कम्बशन स्लोली होता है, एनर्जी स्लोली रिलीज होती है. और स्पॉन्टेनियस कम्बशन में हमें एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं होती, इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती. अब आते हैं दोस्तों कम्बशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल. मतलब जो कम्बशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल रहते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं. दोस्तों कम्बशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल चार प्रकार से रहते हैं. पहला ईज़ ऑफ इग्निशन, मतलब वो कितनी आसानी से, मतलब कम्बशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल, मतलब किसी भी फ्यूल का कम्बशन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किस प्रकार से जानी जा सकती है. तो उसकी चार प्रकार से प्रॉपर्टी देख सकते हैं. पहला ईज़ ऑफ इग्निशन, मतलब उसमें किस प्रकार से जला करता है, उसे कितना इग्निशन टेम्परेचर चाहिए पड़ता है. दूसरा फ्लेम टेम्परेचर, वह कितना टेम्परेचर रेज करता है. तीसरा रेट ऑफ कम्बशन, मतलब वह कितनी प्रकार की, रैपिडली जल रहा है या स्लोली. और चौथा फ्लेम
ल्यूमिनिसिटी, मतलब वह कितनी फ्लेम निकाला करता है या कितनी हीट गिवन आउट करता है। अब आते हैं दोस्तों आगे पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के बाद जानेंगे हम फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम और उसके बाद फ्लेम। और दोस्तों अब जानते हैं पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम होता है हमारा, पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे, काफ़ी देर से नाम सुना है, अ डार्क ऑयली लिक्विड फॉर्म्ड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास ड्यू टू एक्शन ऑफ हाई प्रेशर एंड हीट, अ सर्टेन कैटेलिक रिएक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स विच अकर्स इन द पोर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। दोस्तों जो डार्क ऑयली लिक्विड होता है वह हमारा पेट्रोलियम होता है। ये हमारा बनता है डिग्रेडेशन, जैसे कि आपने फॉसिल फ्यूल बनाया था, फॉसिल फ्यूल का ये एक प्रकार पेट्रोलियम होता है। दोस्तों ये मिलियन ऑफ ईयर्स में बनता है डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास। आपने आपको बताया था बायोमास होता है हमारा प्लांट और एनिमल, डेड एनिमल या डेड प्लांट या उनके लीव्स, ये जितना भी बायोमास रहता है बायोमास, उसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई हीट पर रखा जाता है मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए, मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए एट पोर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स पे। वह कहाँ पे रहता है? ज़मीन के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स पर। तो दोस्तों इन सारी रिएक्शन के द्वारा हमें एक पेट्रोलियम मिलता है, तब हमें मिलियन ऑफ ईयर्स में हाई प्रेशर हाई हीट ऑफ इन माय बायोमास ऑन द पोर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। दोस्तों ये पेट्रोलियम इतनी मुश्किल से बनता है, मिलियन ऑफ ईयर्स, हज़ारों लाखों सालों में बना करता है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये हमारा हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ये हमारा ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये ब्लैक गोल्ड आप ज़रूर याद रखें, ब्लैक गोल्ड होता है हमारा पेट्रोलियम। आपने देखा ये पेट्रोलियम किस प्रकार से रहता है कि ये डार्क ऑयली लिक्विड होता है, ये हमारा बनता है बायोमास के, बायोमास के डिग्रेडेशन से मिलियन ऑफ ईयर्स के प्रोसेस के दौरान, हाई हीट, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर इन द पोर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक से हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनता है। और दोस्तों पेट्रोलियम हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। और दोस्तों ये हमारा एक टेबल जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से कौन से कार्बन पाए जाते हैं, किस हाइड्रोकार्बन या किस फ्यूल में। दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे गैसियस हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन, लिजरोइन, गैसोलीन, पेट्रोल या केरोसिन, डीजल में कौन कौन से किस प्रकार के कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं, कि कार्बन 12 से कार्बन 16 में हमारे केरोसिन में पाए जाते हैं, इनके यूजेस। दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से बॉइलिंग रेंज, किस प्रकार से मतलब इनका जब फ्रैक्शनल और पेट्रोलियम का हम फ्रैक्शनल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमें कब कौन सा कितने टेम्परेचर पर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट मिलता है। तो दोस्तों ये बताया जाता है हमारा इस टेबल में बताया गया। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, इसलिए हम इसे स्किप कर देंगे, इसे ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, बस आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या रहता है। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं फ्लेम के बारे में। फ्लेम हमारा ये लास्ट टॉपिक है, और दोस्तों ये फ्लेम इम्पोर्टेंट है। फ्लेम होता है द पोर्शन ऑफ गैस और वेपर दैट्स बर्न इन एयर इज कॉल्ड अ फ्लेम। द फ्लेम आर टू टाइप्स, ब्लू फ्लेम एंड येलो फ्लेम्स। दोस्तों जो पोर्शन रहता है गैस या वेपर का जो बर्न कर रहा होता है, जो पोर्शन हमारा बर्न कर रहा होता है उसे हम फ्लेम कहते हैं, उसे हम फ्लेम कहते हैं। फ्लेम हमारी दो टाइप्स की होती हैं, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम। जानते हैं ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम क्या होती है। दोस्तों फ्लेम इम्पॉर्टेंट है इसलिए पूरा पढ़ेंगे। ब्लू फ्लेम होती है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, इट इंडिकेट्स द फ्यूल हैज़ बर्न कम्प्लीटली इन एयर और ऑक्सीजन। ब्लू फ्लेम को हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी कहा जाता है, और ये हमें इंडिकेट करती है, ये बताती है कि जो फ्यूल है वो पूरी तरह से जल गया है, वो पूरी तरह से बर्न हो चुका है इन एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और जो येलो फ्लेम रहती है उसे ल्यूमिनस फ्लेम कहा जाता है, उसे ल्यूमिनस फ्लेम कहा जाता है। इंडिकेट्स दैट द फ्लेम हैज़ बर्न इन एन इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर, मतलब जो हमारा जो कम्बशन हुआ है या जो हमारा बर्न हुआ है वो इनसफिशियंट हुआ है, वो पूरा नहीं हुआ है, उसमें अन
अनबर्न पार्टिकल्स भी हैं, तो ये हमारा ऑक्सीजन और एयर के एब्सेंस में भी होता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा येलो फ्लेम और ये ऊपर वाला होता है ब्लू फ्लेम। अब जानते हैं दोस्तों कैंडल फ्लेम। दोस्तों ये कैंडल में किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कौन सा ब्लू फ्लेम और कौन सा हमारा येलो फ्लेम होगा? तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है इसे। इसे देखिए आप गौर से देख सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट जोन होता है उसे हम ब्लू फ्लेम कहा जाता है, और जो मिडिल जोन रहता है पार्शियल कम्बेशन, मतलब कम्बेशन मतलब पूरे तरीके से पार्टिकल्स बर्न नहीं हुए हैं सब्सटेंस के, उसे हम येलो फ्लेम कहते हैं। और जब पूरी तरीके से पार्टिकल्स बर्न हो जाते हैं उसे हम ब्लू फ्लेम कहा जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट ब्लू फ्लेम रहता है वो सबसे ज़्यादा हॉट रहता है। ये आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि ब्लू फ्लेम सबसे ज़्यादा हॉट रहता है, येलो फ्लेम उतना हॉट नहीं होता है एज़ अ कंपेयर टू ब्लू फ्लेम। तो दोस्तों मिडिल जोन में हमारा येलो फ्लेम होता है और आउटर मोस्ट में हमारा ब्लू फ्लेम होता है। ब्लू फ्लेम ज़्यादा हॉट रहता है और येलो फ्लेम एज़ कम्पेयर टू ब्लू फ्लेम कम हॉट रहता है, मॉडरेट हॉट भी कहा जा सकता है। दोस्तों ये पूछ लिया जाता है आपसे ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम के बारे में, तो ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों आप देख सकते हैं इनर मोस्ट जोन ब्लैक जोन विथ, ये कुछ पार्टी बताया गया है कि किस प्रकार से जोन होते हैं, कि जो सबसे अंदर का जोन रहता है उसे हम ब्लैक जोन कहते हैं, जिसमें अनबर्नड वेपर होते हैं, अनबर्नड बैक्स होता है। दिस जोन एज अ लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम, और ये सबसे कम हॉट पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का। ऊपर दिखाते हैं ये होता है हमारा इनर मोस्ट, ये होता है हमारा कुछ इस प्रकार से इनर मोस्ट जोन। आप देख सकते हैं दोस्तों ये होता है हमारा इनर मोस्ट जोन, जहाँ पे हमारा कम्बशन होता है, स्टार्ट ही होता है। और मिडिल जोन और सेंट्रल जोन येलो जोन इसे इनकम्प्लीट कम्बशन भी कहा जाता है। मिडिल जोन या सेंट्रल जोन को ये येलो जोन भी कहलाता है, और आउटर मोस्ट जोन हमारा ब्लू जोन कहलाता है। और अब दोस्तों आते हैं आखिरी टॉपिक हमारा रॉकेट प्रोपेलेंट और रॉकेट फ्यूल्स। पूछ लिया आता है आपसे रॉकेट प्रोपेलेंट क्या होता है, तो रॉकेट प्रोपेलेंट ही हमारा रॉकेट फ्यूल कहलाता है, रॉकेट प्रोपेलेंट भी हमारा रॉकेट फ्यूल कहलाता है। द फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट इज कॉल्ड, जो फ्यूल हमारे रॉकेट में यूज़ होते हैं वे हमारे रॉकेट प्रोपेलेंट कहलाते हैं। दीज आर स्पेशली फ्यूल्स विच आर हाईली कम्पैक्ट हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू रहती है, मतलब 1 किलोग्राम या 1 ग्राम सब्सटेंस एज कम्पेयर टू अदर सब्सटेंसेज ज़्यादा हीट देंगे, इसीलिए इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू रहती हैं। सिंथेटिक रबर इनके एग्जांपल हैं, सिंथेटिक रबर, नाइट्रोसेल्यूलोज, अमोनियम परक्लोरेट, नाइट्रेट, क्लोराइट, इस प्रकार की एग्जांपल हैं हमारे रॉकेट प्रोपेलेंट के। लिक्विड हाइड्रोजन, एल्कोहल, केरोसिन, लिक्विड अमोनिया, पैराफिन बैग्स एक्सेट्रा हमारे रॉकेट फ्यूल्स होते हैं। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है रॉकेट फ्यूल, ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों इसी टॉपिक के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। और दोस्तों ये हमारे बताया गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप देख सकते हैं दोस्तों पेट्रोलियम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम हमारा नेचुरल हाइड्रोकार्बन से ज़्यादातर बना रहता है। तो दोस्तों ये रहता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप देख सकते हैं आप। और दोस्तों वीडियो ख़त्म होती है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपको समझ में आई हो, आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो ये इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल के पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम वीडियोज़ लाते रहते हैं। और धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।